हेलो दोस्तों, YouTube के थंबनेल्स और उसके अंदर की वीडियो होता कुछ है, दिखाते कुछ है। थैंक गॉड इकोनॉमी के साथ ऐसा नहीं है। इकोनॉमी के इंडिकेटर्स अगर सही ढंग से पढ़े जाएं, उनको समझा जाए, तो इकोनॉमी का पूरा सिनेरियो हमारे सामने आ जाता है। आज के वीडियो में हम उन्हीं इंडिकेटर्स की बात करेंगे और समझेंगे कि ये जॉम्बी इकोनॉमी क्या होती है और ये कंसेप्ट इतना प्रचलित क्यों हो गया है आज के दिनों में। दोस्तों, आज के टाइम में दर्जनों ऐसी डेवलपिंग कंट्रीज हैं जो जॉम्बी बनने वाली हैं। ये मैं नहीं कह रहा, वर्ल्ड बैंक ने अभी अभी लेबनान को कहा है कि लेबनान एक जॉम्बी इकॉनमी है। हमने हॉलीवुड मूवी देख रखी होंगी जहां पे जॉम्बीज होती है, आपको भी पता होगा। नहीं पता तो मैं बता देता हूं, जॉम्बी इसका ताजा उदाहरण तो श्रीलंका है। श्रीलंका के हालात हमारे सामने हैं, लोग सड़कों पर हैं, मैसिव प्रोटेस्ट चल रहे हैं, उनमें बहुत गुस्सा है। वहां के लीडर्स भाग चुके हैं देश छोड़ करके, बहुत लोग भागना चाह रहे हैं। वहां के प्रेसिडेंट राजपक्षा गोटाबाया वो भी देश छोड़ करके चले गए हैं। तो क्या दोस्तों ये आखिरी देश है जहां पर ऐसा हो रहा है? बिल्कुल नहीं। अगर विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स की माना जाए तो अभी लगभग दर्जनों ऐसे देश हैं जो जॉम्बी इकोनॉमी बनने वाले हैं या बन चुके हैं। आज हम उनमें से कुछ देश के बारे में बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि ये हालात कैसे आए। ये ज्यादातर देश ग्रोविंग इकोनॉमीज हैं। ग्रोविंग इकोनॉमीज हम सबको पता है, इवन इंडिया भी एक ग्रोविंग इकोनॉमी है। वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि क्या इंडिया भी जॉम्बी इकोनॉमी बन सकता है, तो लास्ट तक बने रहिएगा, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। साथ ही हम कुछ इकोनॉमिक टर्म्स भी बात बात में सीख जाएंगे। तो लेट्स बिगिन। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि दुनिया में रिसेशन का दौर आने वाला है या आ चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार उसको भी देख लो, तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छी से समझ में आएगी। पिछले वीडियो में हमने ये भी बात किया था कि किस तरह से दुनिया जो है वो एक बबल में डूब गई है, जिसको हम लोग डेट बबल कहते हैं, यानी कि उधार का बुलबुला। जो दुनिया में टोटल उधार है उसमें से 250 बिलियन डॉलर, आई रिपीट 250 बिलियन डॉलर जो उधार है, वो कुछ दर्जन देश जहां की इकोनॉमी भी कमजोर है उन लोगों ने ले रखी है। ये सारे के सारे ग्रोविंग इकोनॉमीज हैं। कुछ का नाम अगर मैं लूं तो अल सल्वाडोर, लेबनान, श्रीलंका, इजिप्ट, पाकिस्तान, जाम्बिया और नेपाल जैसे देश इसमें शामिल है। लिस्ट और भी लंबी है। अगर हम लोग बात करें कि ये देश इन हालात में कैसे पहुंचे, तो उसके पहले हम लोग एक और चीज समझ लेते हैं, वो है कि इन कुछ देशों की फिस्कल डेफिसिट और डीजीआर। यहां से हमको पूरा सिनेरियो बहुत आसानी से समझ में आएगा। मैंने 5 कंट्रीज को फॉर एग्जांपल लिया है। लेबनान की बात करें तो वहां पे फिस्कल डेफिसिट 20% है और लेबनान का डीजीआर 210% है। दोस्तों, फिजिकल डेफिसिट किसी देश की आमदनी और किसी खर्च और उसी देश के खर्च के बीच के डिफरेंस को कहते हैं, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू। यानी अगर कोई देश 100 रुपीज कमा रहा है और अगर वो 100 रुपया खर्च भी कर दे रहा है तो उसका जो फिजिकल डेफिसिट है वो 0 है। लेकिन अगर कोई देश 100 रुपया कमा रहा है और 110 रुपया खर्च कर रहा है तो वहां का फिजिकल डेफिसिट 10% हुआ। 3% से 3.5% का फिस्कल डेफिसिट हेल्दी माना जाता है, लेकिन उससे ज्यादा का फिस्कल डेफिसिट खतरनाक होता है। और जितना ज्यादा 3.5% से आप जितना ज्यादा फिस्कल डेफिसिट लोगे वो और भी ज्यादा खतरनाक है। लेबनान के केस में तो ये 20% तक चला गया, जो कि बहुत ही चिंता का विषय है। इसीलिए इसकी इकोनॉमी की बहुत खराब हालत चल रही है। श्रीलंका में ये 13%, घाना 12%, जामिया 10% और पाकिस्तान 9% है। डीजीआर होता है डेप्ट और जीडीपी का रेशियो। डेप्ट यानी कि उधार। अगर आपके देश की जीडीपी 100 रुपया है और आपने 200 रुपया उधार ले लिया, इसका मतलब हुआ कि आपका जो डीजीआर है वो 200% है।
अगर आपका डेब्ट 20 रुपीज है और आपके देश की जीडीपी 10 रुपीज है, तो आपका डीजीआर 200% हुआ। इसका मतलब है डीजीआर जितना कम हो उतना अच्छा है। इसमें एक और बात बता दूं, डेब्ट का नेचर कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है। अगर कोई कंट्री एक्सटर्नल डेब्ट यानी फॉरेन डेब्ट ज्यादा ली है तो ये ज्यादा चिंता का विषय है। दोस्तों अगर जापान की बात करें तो वहां का भी डीजीआर बहुत हाई है, 300% के आसपास है डेब्ट टू जीडीपी रेशियो। लेकिन जापान के हालात और इकोनॉमी उतनी खराब नहीं है, क्योंकि जापान ने जो उधार ले रखा है वो अपने ही लोगों से, अपने ही कंपनी से लिया है। तो उसको जो उधार लौटाना है वो अपनी ही करेंसी में लौटाना है, उसको फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंडिया का भी जो ज्यादातर डेब्ट है वो एक्सटर्नल नहीं है, वो इंटरनल डेब्ट है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर दो इंसान हैं, एक ने अपने घर के लोगों से उधार लिया है, दूसरे ने बाहर के लोगों से, तो बाहर के लोग तो घर के सामने खड़े हो जाएंगे कि भाई मेरा पैसा आज के आज ही चाहिए। घर के लोगों को तो समझाया बुझाया जा सकता है, इसलिए एक्सटर्नल डेब्ट बहुत बुरा होता है। और इन सारी कंट्रीज की खराबी यह है कि इन लोगों ने जो डेब्ट लिया है वो एक्सटर्नल डेब्ट ज्यादा है। आप पाकिस्तान की भी न्यूज सुनते होंगे, तो 75% है उसका डीजीआर, जिसमें ज्यादा हिस्सा एक्सटर्नल डेब्ट का है। तो दोस्तों ये कंट्रीज लाइन में है, हो सकता है कल को ये भी जोम्बी इकोनॉमी घोषित हो जाए। चिंता की बात तो ये है कि जहां जिन कंट्रीज हमको हम लोग यहाँ देख रहे हैं, अल सल्वाडोर, इजिप्ट, लेबनान, घाना, जाम्बिया, पाकिस्तान, ये पॉलिटिकली रूप से और हिस्टोरिकल बहुत ही इनस्टेबल है। अगर यहाँ पर श्रीलंका जैसे हालात हुए तो स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। अब ये सवाल उठता है कि ये कंट्रीज ऐसी स्थिति में क्यों पहुंच गए? क्या इंडिया पे भी ये खतरा मंडरा रहा है? तो आप हमारे साथ बने रहिए, अगले 3 से 4 मिनट में हम लोग सब समझ जाएंगे। दोस्तों तीन रीजन है जिसके कारण ये जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं इस बुरे दौर में पहुंचे। पहला कारण है पैंडेमिक। पैंडेमिक में हुआ कि ये सारे कंट्री डेफिसिट में चल गए। क्यों चल गए? क्योंकि पैंडेमिक के टाइम में रेवेन्यू तो था नहीं, बिजनेस बंद पड़े थे। श्रीलंका नेपाल में तो टूरिज्म बहुत ज्यादा है, वहां के इकोनॉमी टूरिज्म पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है, और टूरिज्म उस टाइम खत्म हो चुका था। साथ ही साथ गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा स्पेंडिंग करनी पड़ी हॉस्पिटल्स में और हेल्थ सेक्टर में। दूसरा नुकसान ये हुआ कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो गई। ऐसे में गवर्नमेंट को बिजनेस में भी और इकोनॉमी में भी इन्वेस्ट करना पड़ा, लेकिन बावजूद उसकी आमदनी कुछ भी नहीं थी और खर्च बहुत ज्यादा था। हम कहते हैं ना, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, वो स्थिति में पहुंच गए और पेंडेमिक के टाइम में ये देश बहुत ज्यादा डेफिसिट में आए। दूसरा कारण ये है कि जो डॉलर है वो महंगा हो गया। डॉलर यानी कि स्ट्रॉन्गर डॉलर की हम लोग बात कर रहे हैं। अमेरिका में इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ी, जिसके चलते वहां का जो सेंट्रल बैंक है, फेडरल रिजर्व, उसने रेट्स को बढ़ा दिए। रेट्स बढ़ने से अमेरिकन्स ने जो पैसे दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लगा रखे थे वो सारा इन्वेस्टमेंट वापस ले लिया और वो बैंक्स में डालने लगे। ऐसे में जो बाकी देश हैं उनका फॉरेन रिजर्व गिरने लगा और उनकी करेंसी की वैल्यू भी डॉलर के मुकाबले गिरने लगी। डॉलर महंगा हो गया, जिसके कारण इंपोर्ट भी महंगा हो गया और जो उधार ले रखे थे उसका ब्याज भी महंगा हो गया, और ये देश चुकाने के काबिल नहीं रहे। तीसरा कारण है वो है यहाँ के लीडर्स। इन ज्यादातर देशों में करप्शन बहुत ज्यादा है और लीडर्स इनकैपेबल है। गोटाबाया राजपक्षा, वो भी बहुत ही मायोपिक फैसले उन्होंने लिए, जैसे कि फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर को बैन कर दिया गया, और श्रीलंका की जो एग्रीकल्चरल आउटपुट है वो बहुत ज्यादा गिर गई। लोग दाने दाने के मोहताज रह गए। इतना ही नहीं, उन्होंने पैंडेमिक के टाइम में टैक्स भी कम कर दिया। ऐसे में सरकार की आमदनी भी बहुत गिर गई। ऐसे ही उदाहरण आपको दूसरे देशों में भी देखे जाएंगे जहां की इकोनॉमी खस्ता हाल है। अल सल्वाडोर की बात करें तो वहां के प्रेसिडेंट ने तो बिटकॉइन को लीगल ही कर दिया, और बिटकॉइन लीगल होने के बाद से पिछले 6 महीने में अलग अलग कारणों से, जियोपॉलिटिकल इश्यूज के चलते, जो 48% बिटकॉइन का दाम गिर गया।
जिसके चलते अल सल्वाडोर को भी काफी नुकसान उठाना पड़ा। दोस्तों अब बात आती है कि यहां से निकलने के उपाय क्या क्या है। और दूसरा जो हमने वीडियो की शुरुआत में क्वेश्चन किया था, क्या इंडिया पे भी ऐसे खतरा मंडरा रहा है या इंडिया भी जोम्बी इकोनॉमी बन सकता है। इन दोनों सवालों का जवाब है कि हम एक बार चाइना, मैक्सिको और इंडिया की बात कर लें। चाइना, इंडिया और मैक्सिको तीनों डेवलपिंग इकोनॉमी है, लेकिन ये तीनों की खासियत ये है कि ये बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। डाइवर्सिफाइड का मतलब हुआ ये तीनों कंट्री किसी एक इंडस्ट्री पे निर्भर नहीं है। यहाँ आईटी भी है, टेलीकम्युनिकेशन भी है, यहाँ पे टर्शरी सेक्टर के साथ साथ सेकेंडरी और प्राइमरी सेक्टर भी काम कर रहे हैं। ऐसे में अगर एक इंडस्ट्री या एक सेक्टर में उतार चढ़ाव होता है तो दूसरा सेक्टर उसको संभाल लेता है। तो शॉर्ट टर्म में बेल आउट हो सकता है कि इन कंट्रीज को बचा ले, लेकिन लॉन्ग टर्म में जाने के लिए डाइवर्सिफिकेशन ही सबसे अच्छा उपाय है। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया जोम्बी इकोनॉमी इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि इंडिया के जो फंडामेंटल्स हैं वो बहुत मजबूत हैं। इंडिया की इकोनॉमी हाईली डाइवर्सिफाइड है। दोस्तों आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो, और क्या आपको फिस्कल डेफिसिट और डीजीआर का कंसेप्ट समझ में आया? आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बहुत अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूँ सृजन कृष्णा।